हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच में जो सेकंड मुकाबला खेला जाएगा ओडीआई सीरीज का, उसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन से प्लेयर को आपको स्मॉल लीग में ट्राई करके चलना है एंड कौन से प्लेयर को आपको जीएल में ट्राई करके चलना है। सब कुछ इस वीडियो में प्रॉपर डिस्कस करेंगे ताकि जब आप स्मॉल लीग में टीम क्रिएट करोगे आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा और इस मैच में एक बेटर टीम क्रिएट करके जा सकते हो, जिससे आपके विनिंग के चांसेस काफी ज्यादा हाई रहेंगे। देखो इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको पिच रिपोर्ट बताएंगे कि शारजहां क्रिकेट के ग्राउंड पर आपको पिच कैसा बिहेव करता है। पहली इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम ने कितने मुकाबले जीते एंड सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम ने कितने मुकाबले जीते, बाकी लास्ट के चार मैचेस का कैसा रिकॉर्ड है इस वेन्यू पर, प्लेयर्स का रिसेंट परफॉर्मेंस कैसा है, वो उसके बेस पे हम उसको स्मॉल लीग में या फिर जीएल में ट्राई करके जा सकते हैं, बाकी हेड टू हेड में कैसा प्रदर्शन है, वेन्यू पर कैसा प्रदर्शन है और सबसे लास्ट में जो जीएल खेलते हैं उनके लिए कि प्लेयर्स ने पहली इनिंग में कैसा प्रदर्शन कर रखा है और सेकंड इनिंग में कैसा प्रदर्शन कर रखा है, क्योंकि उनके बेस पे हम उसको स्मॉल लीग में या फिर जीएल में ट्राई करके जा सकते हैं। तो ये सब कुछ अब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहना बिना किसी एक भी पार्ट को स्किप किए हुए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इस मैच के बारे में। तो ये मैच आपको 9 नवंबर को सैटरडे को दोपहर 3:30 बजे शारजहां क्रिकेट स्टेडियम के ग्राउंड पर खेला जाएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा है, ज्वाइन कर लेना। देखो लास्ट मिनट के जो सारी अपडेट रहते हैं मैं वहीं पर आपको शेयर करता हूं, चाहे प्लेइंग 11 में चेंजेस हो, चाहे बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस हो, चाहे पिच रिपोर्ट में चेंजेस हो। अगर ये सारे चेंजेस आपको अवॉइड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर आपको हर एक चीज डिटेल वाइज मैं आपको प्रोवाइड करता हूं ताकि आपके जीतने के चांसेस काफी ज्यादा हाई रहेंगे। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं अपने टेलीग्राम चैनल का, जाकर एक बार आप चेकआउट कर सकते हो। तो बात करते हैं सबसे पहले पिच रिपोर्ट के बारे में। तो देखो यहां टोटल 244 मुकाबले खेले जा चुके हैं जो कि काफी ज्यादा होता है, और पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 133 और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 109 मुकाबले जीते हैं, तो ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। बट हाँ, जो सेकंड इनिंग में बैटिंग करते हैं वो विकेट स्लो हो जाता है, जैसे कि हमने लास्ट के 5 से 6 मैचेस में इस पिच पर देख रहे हैं। साउथ अफ्रीका के साथ भी जो भी सीरीज हुआ था अफगानिस्तान का, उसमें भी हमने देखा, इस सीरीज में भी हमने देखा और आयरलैंड वाली सीरीज में भी हमने देखा था, विकेट स्लो हो जाता है जिसकी वजह से स्पिनर्स काफी ज्यादा डोमिनेट हो जाते हैं इस ग्राउंड पर, और स्कोरिंग पैटर्न ज्यादा नहीं, 200 के नीचे या 250 के नीचे स्कोर रहता है, इससे ज्यादा स्कोर आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है इस ग्राउंड पर। एवरेज स्कोर यहां पर 226 रन का है। बाकी पेसर और स्पिनर्स में अपने टीम में क्वालिटी स्पिनर्स को बैक करके चलना, क्योंकि देखो स्पिनर्स का तो दबदबा यहां पर हमें देखने को मिला, जितने भी हमने मैचेस देखे लास्ट के 6 से 7 मुकाबले की बात किया तो स्पिनर्स आपको वन साइडेड डोमिनेंस करते हुए दिखते हैं, तो अपने टीम में क्वालिटी स्पिनर्स को बैक करके चलेंगे और हो सके तो सीएनबीसी भी उनको हम देकर जा सकते हैं। बात कर लेते हैं अब रिसेंट मैचेस का। तो देखो अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच में लास्ट मुकाबला यहां पर खेला गया था, जिसमें अफगानिस्तान की टीम ने 235 रन 10 विकेट खोकर 49.4 ओवर में स्कोर किए थे, और बांग्लादेश की टीम ने इसके जवाब में 143 रन 10 विकेट खोकर 34.3 ओवर में टारगेट को चेस कर लिया था, जिसमें पेसर्स ने 10 और स्पिनर्स ने 9 विकेट पिक किए थे। वहीं से पिछला मुकाबला अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच में खेला गया था, जिसमें अफगानिस्तान की टीम ने 169 रन 10 विकेट खोकर 34 ओवर में स्कोर किए थे, और साउथ अफ्रीका की टीम इसके जवाब में 170 रन 3 विकेट खोकर 33 ओवर में इस टारगेट को चेस कर लिया था, जिसमें पेसर्स ने 5 और स्पिनर्स ने भी 5 विकेट पिक किए थे। वहीं से पिछला मुकाबला अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच में खेला गया था, जिसमें अफगानिस्तान की टीम ने 311 रन, जो कि बहुत कम केस में हमें 300 के पार इस पिच पर देखने को मिल रहा है, बट सेकंड इनिंग में बैटिंग करते हुए कोलैप्स कर गई टीम और 134 रन पे ऑल आउट हो गई थी। वहीं से पिछला मुकाबला साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच में खेला गया था, जिसमें साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीम अफगानिस्तान के सामने 106 रन पे ऑल आउट हो गई थी, और इस टारगेट को काफी आराम से अफगानिस्तान की टीम ने चेस कर लिया था, जिसमें पेसर्स ने 5 और स्पिनर्स ने 8 विकेट पिक किए थे। तो अगर आपको ओवरऑल बताया जाए तो 200 से 250 के बीच में ज्यादा से ज्यादा रन एक्सपेक्ट करके चलना, बहुत रेयर ही होगा तो 300 के पार आपको स्कोर देखने को मिलेगा, फिर आपको सेकंड इनिंग में जो बैटिंग कर रही हो कोलैप्स कर सकती है, ये चीजें आप ध्यान में रख के जा सकते हो। बाकी जो स्पिनर्स को अपने टीम में मैक्सिमम पिक करके चलना, हो सके तो स्पिनर्स को भी पेसर्स को भी ट्राई कर लेना, बट वो पहली इनिंग में, और स्पिनर्स को सेकंड इनिंग में कैप्टन और वाइस कैप्टनसी भी देके जा सकते हो। बात कर लेते हैं हेड टू हेड का। तो देखो लास्ट के 10 मुकाबले का बात किया जाए तो अफगानिस्तान की टीम ने
4 मुकाबले जीते हैं और 6 मुकाबले आपको बांग्लादेश की टीम ने जीता है। और जैसा कि मैंने बताया था आपको, अफगानिस्तान को बैक करके जा सकते हो क्योंकि इस पिच के लिए सबसे सुटेबल टीम आपको अफगानिस्तान की टीम है, क्योंकि उनके पास क्वालिटी स्पिनर्स है और जो क्वालिटी जिसके पास क्वालिटी स्पिनर्स होंगे वो इस पिच पर काफी दबदबा दिखा सकता है। तो इस अगर रिसेंट का भी देखा जाए तो 5 में से 4 मुकाबले अफगानिस्तान की टीम जीत कर आ रही है और 5 में से 3 मुकाबले आपको बांग्लादेश की टीम जीत कर आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान को इस मैच में भी हम फेवरेट करके जा सकते हैं। बात करते हैं बांग्लादेश की प्लेइंग 11 की, तो सौम्या सरकार, तंजीद हसन, नजमुल हुसैन सेंतो, तौहीद हिरदोए, मुस्फिकुर रहीम, महमूदुल्ला, मेहदी हसन मिराज, रिशाद हुसैन, उसके बाद तस्कीन अहमद, शरीफुल इस्लाम और मुस्तफिजुर रहमान, ये हो सकती है बांग्लादेश की प्रोबेबल प्लेइंग 11 जो कि इस मैच में खेल सकती है। बात करते हैं स्टार्टिंग ओवर, तो मेहदी हसन मिराज, मुस्तफिजुर रहमान और तस्कीन अहमद। डेथ में बात किया जाए तो मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद और शरीफुल इस्लाम आपको डेथ में गेंदबाजी करते हुए दिख जाएंगे। बात करते हैं अब इनके प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस की, तो देखो सौम्या सरकार ने लास्ट मैच में 33 रन स्कोर किए थे बट गेंदबाजी से कुछ खास कर नहीं पाए थे, तो हम ज्यादातर इनसे बैटिंग से उम्मीद करेंगे क्योंकि तेज गेंदबाजों के लिए कुछ खास है भी नहीं इस पिच पर, तो शायद इनको उतना मौका मिले भी नहीं, तो जीएल में ट्राई करके चलना स्मॉल लीग में आपके लिए रिस्की चॉइस रहेंगे। तंजीद हसन, देखो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, दोनों ही टॉप ऑर्डर में बैटिंग तो कर रहे हैं बट इस पिच पर के लिए सुटेबल नहीं है क्योंकि दोनों के पास उतने टेक्निकली अच्छे स्टैंड्स नहीं है कि रन स्कोर कर सके, तो दोनों को आप जीएल में बैक करके चलना। बाकी नजमुल हुसैन सेन, तो देखो एक तो आपको बैटिंग से लास्ट मैच में अच्छा स्कोर किया था इन्होंने, बाकी इनके आउट होने के बाद ही इनकी टीम कोलैप्स हो गई थी, 47 रन स्कोर किए थे और हो सके तो ये गेंदबाजी भी कर सकते हैं, हेड टू हेड में 35 का एवरेज भी होल्ड करते हैं, तो इनको हम अपने टीम में बैक कर लेंगे। तौहीद हिरदोए का बात किया जाए तो लास्ट मैच में इन्होंने 11 रन तो स्कोर किए थे। तौहीद हिरदोए देखो स्पिनर्स को तो अच्छा खेलते बट स्ट्रगल कर रहे हैं, हो सके तो एज अ ट्रंप प्लेयर इनको जीएल में बैक करके चलना, क्या पता अगर जैसे जिस क्वालिटी से स्पिनर्स को खेलते इस पिच पर अच्छा रन स्कोर कर दे तो इसके वजह से हमारे लिए बेहतरीन ऑप्शन रह सकते हैं। मुस्फिकुर रहीम लास्ट मैच में 1 रन स्कोर किए थे, हेड टू हेड में 30 का एवरेज है और वेन्यू पर कोई खास प्रदर्शन है भी नहीं, देखो टेक्निकली ये भी अच्छे बल्लेबाज है और मिडल ऑर्डर में आते, अगर सेकंड इनिंग में गेंदबाजी बल्लेबाजी करती है इनकी टीम तब तक जब ये आएंगे बैटिंग विकेट स्लो हो जाएगा तो इनको रन स्कोर करने का उतना मौका नहीं मिलेगा, तो हो सकता है पहली इनिंग में बैक कर लेना, सेकंड इनिंग में आप इग्नोर करके जा सकते हो। महमूदुल्ला, देखो इस पिच के लिए महमूदुल्ला एक अच्छे चॉइस हो सकते हैं, क्यों, गेंदबाजी अच्छी खासी स्पिन कर लेते हैं और सेकंड इनिंग में मान लो महमूदुल्ला की गेंदबाजी आ जाती है तो पहली इनिंग में अच्छी बल्लेबाजी भी मिल जाएगी और सेकंड इनिंग में गेंदबाजी भी अच्छी खासी मिल जाएगी, तो स्मॉल लीग में एज अ ट्रंप प्लेयर इनको बैक करके चलना काफी अच्छे पॉइंट आपको दे सकते हैं। बाकी मेहदी हसन मिराज काफी अच्छे और डिफॉल्ट चॉइस आपके लिए होने चाहिए, इन्होंने 12 मैच में 11 विकेट पिक कर रखा और 53 का एवरेज है अगेंस्ट अफगानिस्तान, बाकी इस पिच पर एक मैच खेला 28 रन स्कोर किए और इन्होंने लास्ट के 3 से 4 मैच में एटलीस्ट एक विकेट तो निकाला ही निकाला अगर लास्ट मैच छोड़ दिया जाए तो इनको मैं अपने टीम में बाय डिफॉल्ट ट्राई करूंगा और हो सके तो वाइस कैप्टनसी भी दे दूंगा। बाकी रिशाद हुसैन का बात करते तो देखो ये भी अच्छी खासी गेंदबाजी कर लेते हैं बट लास्ट मैच में फ्लॉप हो गए थे तो सब लोग इनको इग्नोर करके जा रहे हैं, बट मैं अभी भी कहूंगा कि रिशाद हुसैन लेग ब्रेक बॉलर है और अगर सेकंड इनिंग में अगर ये गेंदबाजी कर लेते हैं तो मैं हो सके तो स्मॉल लीग में भी वाइस कैप्टनसी दे दूंगा क्योंकि इनके पास एबिलिटी है कि विकेट निकाल सकते अच्छे खासे। बाकी इधर से बात किया जाए तस्कीन अहमद जो कि लास्ट मैच में 4 विकेट पिक किए थे, उससे पहले 3 फिर 2 फिर 3 फिर 1, अगर पहली इनिंग में इनकी टीम गेंदबाजी करती है तब इनको ट्राई कर लूंगा बाय डिफॉल्ट और सेकंड इनिंग देखते किनको ट्राई करना है किनको नहीं बट पहली इनिंग में तो मैं इनको ड्रॉप नहीं करने वाला हूं। शरीफुल इस्लाम ये भी लास्ट मैच में अच्छे प्रदर्शन इन्होंने किया था और इनका अफगानिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड भी बढ़िया है, तो आप ट्राई करना चाहते हो तो एज अ ट्रंप प्लेयर इनको ट्राई कर सकते हो। बाकी मुस्तफिजुर रहमान लास्ट मैच में 4 विकेट पिक किया था, उससे पहले ठीक ठाक फॉर्म में थे, मतलब अच्छे नहीं थे बट ठीक ठाक फॉर्म में थे बट लास्ट मैच में जब ये विकेट पिक करके आ रहे तो सब लोग इनको अपनी टीम में ट्राई कर रहे हैं, आप भी बैक कर सकते हो। बाकी बेंच पे नाहिद राणा, नसूम अहमद और जाकिर हसन रहेंगे, अगर कोई खेलता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बात करते हैं अब किनको स्मॉल लीग में ट्राई करना है, तो सौम्या सरकार और तंजीद हसन दोनों को हम जीएल में ट्राई करके चलेंगे, उसके बाद नजमुल हुसैन सेन तो बाय डिफॉल्ट स्मॉल लीग में, तौहीद हिरदोए को मजबूरी में जीएल में ट्राई करना पड़ेगा क्योंकि उतनी अच्छे क्वालिटी पिच पे रन स्कोर नहीं कर पा रहे इसके वजह से, रहीम को जीएल में ट्राई करके चलेंगे, महमूदुल्ला एक स्मॉल लीग के लिए ट्रंप चॉइस रह सकते हैं, आप बैक कर सकते हो अपनी टीम में। बाकी मेहदी हसन मिराज, रिशाद हुसैन दोनों बाय डिफॉल्ट ट्राई करूंगा, तस्कीन अहमद बाय डिफॉल्ट, सॉरी
सैफुल इस्लाम एज ए ट्रंप प्लेयर ट्राई कर सकते हैं, और यहाँ से बात किया जाए मुस्तफिजुर्रहमान तो बाय डिफॉल्ट इनको मैं ट्राई करके चलूंगा। बाकी दोस्तों अभी तक आपने बूम इलेवन ऐप को डाउनलोड नहीं किया हो तो बहुत कुछ मिस करो। क्यों? देखो एक तो सबसे पहले यहाँ पर 2 मिनट का एक्स्ट्रा डेडलाइन मिलता है जिसका फायदा आप आराम से उठा सकते हो। लाइक अगर पहली ओवर में विकेट गिर जाता है तो आप यहाँ पर चेंजेस करके उस चेंजेस का फायदा आपको देखने को मिल जाता है। बाकी एंट्री फीस भी दूसरे ऐप के मुकाबले काफी कम पे करना पड़ता है जो कि एक और एक्स्ट्रा एडवांटेज है, और 20,000 का हर एक मैच में आपको फ्री गिवअवे मिलता है जिसका फायदा आप 100% उठा सकते हो। मैं आपको बाय डिफॉल्ट कह रहा हूं कि अगर मतलब 20,000 जो आप खेलते हो ना वो 100% जीत सकते हो क्योंकि कंपटीशन इतना कोई खास है नहीं। बाकी इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड, मान लो कि अगर आप एक कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो तो आपने इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड में पार्टिसिपेट कर लिया, सीरीज लीडर बोर्ड में पार्टिसिपेट कर लिया, और एक से दो लीडर बोर्ड है जहां से आप एक्स्ट्रा मनी मतलब एक्स्ट्रा पैसे जीत सकते हो। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ अपने टेलीग्राम मतलब बूम इलेवन का, और मैं इसका टीम टेलीग्राम पे देता हूँ तो उसका भी जाकर ज्वाइन कर सकते हो और बूम इलेवन डाउनलोड कर लेना। मेरा रेफर कोड यूज करोगे तो एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल सकता है। बात कर लेता अफगानिस्तान की, तो देखो गुरबाज अटल ओपनिंग करेंगे, रहमत शाह, हसमतुल्ला साहिदी, अजमतुल्ला उमरजई, मोहम्मद नाबी, उसके बाद गुलाबदीन नेब, राशिद खान, नंगेलिया खरोते, अल्लाह गजनाफर, उसके बाद फजल अक फारूकी। ये हो सकती है अफगानिस्तान की प्रोबेबल प्लेइंग 11 जो कि इस मैच में खेल सकती है। अगर स्टार्टिंग ओवर का बात किया जाए तो फजल अक फारूकी, अजमतुल्ला उमरजई और अल्लाह गजनाफर कराएंगे, और डेथ में आपको फजल अक फारूकी, अजमतुल्ला उमरजई और गुलाबदीन नेब आपको डेथ में गेंदबाजी करते हुए दिख जाएंगे। बात करते हैं किनको हम स्मॉल लीग में ट्राई करके चलना है और कैसा क्या रिसेंट फॉर्म है प्लेयर्स का। तो देखो गुरबाज लास्ट मैच में 5 रन स्कोर किए थे, बट उससे पहले 2 सेंचुरी थी, 2 हाफ सेंचुरी थी, तो हम इनको इस मैच में बढ़िया तरह से ट्राई करेंगे क्योंकि जिस पिच पर सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इन वो यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं 61 के एवरेज से। बाकी बांग्लादेश के खिलाफ भी 43 का एवरेज है, तो मैं इनको अपने टीम में बाय डिफॉल्ट ट्राई करूंगा और हो सके तो जीएल में कैप्टनसी करने का रिस्क ले सकता हूं। बाकी सदीकुल्ला अटल, जैसा कि मैंने आपको लास्ट मैच में बताया था, ये उतने एक्सपीरियंस बल्लेबाज नहीं है कि इस पिच पर कैसा खेला जाता है, ये एक्सपीरियंस प्लेयर ही इस पिच पर सर्वाइव कर पाएंगे लाइक रहमत शाह, हसमतुल्ला साहिदी। तो अटल को जीएल में ट्राई कर लेना क्योंकि रिसेंट टाइम में जो इमर्जिंग कप खेल कर आ रहे हैं उसमें इन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया था, अगर बढ़िया कर देते हैं तो जीएल में हमारी अच्छी रैंक आ सकती है। बाकी अगर बढ़िया करते भी है तो स्मॉल लीग में हमें कोई नुकसान नहीं होगा। रहमत शाह लास्ट मैच में 2 रन स्कोर किए थे, उससे पहले अगर लास्ट का 6 मुकाबले का बात किया जाए या 5 मुकाबले की, उसमें से सारे मैचेस में सिंगल डिजिट पे आउट हुए, सिर्फ एक मैच को छोड़ दिया जाए तो, और हेड टू हेड में 22 का एवरेज और वेन्यू पर 35 का एवरेज है। देखो रिकॉर्ड तो हेड टू हेड वेन्यू पर ठीक है, बट हम जीएल में ट्राई करके चलेंगे क्योंकि रिसेंट उनका उतना अच्छा था नहीं। बाकी हसमतुल्ला साहिदी, लास्ट मैच में मैंने इनको एज अ ट्रंप प्लेयर ट्राई किया था क्योंकि मेरे को लग रहा था कि हसमतुल्ला साहिदी इस पिच पर सर्वाइव कर जाएंगे और इन्होंने 52 रन भी स्कोर करके मेरे को दिया था, तो इस मैच में भी मैं इनको ट्राई करके चलूंगा क्योंकि मेरे को इस मैच में भी भरोसा है कि कैप्टनसी पारी आपको खेलते हुए दिख सकते हैं। बाकी अजमतुल्ला उमरजई लास्ट मैच में सिर्फ 0 रन स्कोर किए थे और 1 विकेट पिक किया था, तो बल्लेबाजी से तो मैं ज्यादा उम्मीद कर नहीं रहा हूं और गेंदबाजी से ज्यादा इनको ओवर मिलता नहीं है, तो मैं इनके प्लेयर्स पे एक मतलब इनके प्लेस पे एक प्रॉपर बॉलर के साथ जा रहा हूँ ताकि कम से कम उनको प्रॉपर गेंदबाजी मिलेगा और अच्छे खासे विकेट निकाल सकते हैं। गुलाबदीन नेब लास्ट मैच में 22 रन स्कोर किए थे और 0 विकेट पिक किया था, उतने अच्छे चॉइस मेरे को नहीं लग रहे हैं, तो नेब को भी हम जीएल में ट्राई करेंगे। नबी बाय डिफॉल्ट रह सकते हैं, लास्ट मैच में 84 रन स्कोर किए थे और 1 विकेट पिक किया था, बट यही है कि इनका ओवर श्योर नहीं रहता, इसकी वजह से हम इनको जीएल में मतलब स्मॉल लीग में ट्राई करेंगे बट कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी नहीं देंगे। राशिद खान इस पिच पर तो काफी बीस्ट साबित होते हैं, 11 मैच में 32 विकेट और हेड टू हेड में 14 मैच में 24 विकेट पिक कर रखे और लास्ट मैच में भी 2 विकेट पिक किए थे, कैप्टनसी के सबसे डिफॉल्ट ऑप्शन आपके पास राशिद खान ही होंगे। बाकी नंगेलिया खरोते और अल्लाह गजनाफर, ये दो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रंप प्लेयर रहेंगे क्योंकि एक मैच में कभी ये परफॉर्मेंस कर देते हैं 4 विकेट ले लेते हैं, कभी ये 6 विकेट ले लेते हैं, और इन्होंने एक मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 4 विकेट पिक किए थे और यही लास्ट मैच में अल्लाह गजनाफर ने 6 विकेट पिक करके आ रहे हैं, तो अभी के लिए तो मैं गजनाफर का रिसेंट बढ़िया लग रहा है, इसकी वजह से इनको ट्राई कर रहा हूं। आप चाहो तो खरोते को भी ट्राई कर सकते हो, खरोते भी कोई बेकार ऑप्शन आपके लिए नहीं रहेंगे। बाकी अगर बात किया जाए फजल अक फारूकी की तो लास्ट मैच में विकेट ले सकते हैं, इसकी वजह से सब लोग इनको ड्रॉप करके जा रहे हैं, बट अभी भी भूलो मत ये इनके सबसे मेन तेज गेंदबाज हैं, तो मैं इनको अजमतुल्ला उमरजई के प्लेस पे ट्राई कर रहा हूँ। आप अजमतुल्ला और फजल अक फारूकी में से किसी एक को ट्राई कर लेना। बाकी बात करते हैं बेंच पे, तो नवीद जदरान, अब्दुल मलिक और बी सामी है, अगर कोई खेलता है तो मैं आपको अपडेट
कर दूंगा। देखो अगर किसको हम स्मॉल लीग में ट्राई करना है तो रहमुल्ला को बाई डिफॉल्ट ट्राई करेंगे, सदीकुल्ला को जीएल में ट्राई करना है, बाकी रहमत जीएल में, हसमतुल्ला स्मॉल लीग में बाई डिफॉल्ट, अजमतुल्ला को आप स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हो, एक अच्छे चॉइस है, बट मैं अभी के लिए नहीं ट्राई करूंगा। गुलाबदीन नेब को आप जीएल में ट्राई कर लेना, मोहम्मद नबी बाई डिफॉल्ट और राशिद खान बाई डिफॉल्ट स्मॉल लीग में, नंगेलिया और अल्लाह गजनाफर या तो एक को ट्राई कर लेना, ये दोनों को आप ट्राई करके जा सकते हो, बट अभी के लिए मैं अल्लाह गजनाफर के साथ जा रहा हूँ। बाकी फजल अक फारूकी को बाय डिफॉल्ट मैं ट्राई करके चलूंगा। बाकी सीएनबीसी बात कर रहे तो राशिद खान, मेहदी हसन मिराज और मोहम्मद नबी, ये तीन बेहतरीन ऑप्शन आपके पास होंगे। और जीएल में रिशाद हुसैन, खरोते और मुश्फिकुर रहीम को कैप्टनशिप और वाइस कैप्टनशिप डेफिनेटली देकर जाना, क्या पता एक बेहतरीन रैंक ला सकते हैं। और एक कॉम्बिनेशन जरूर यूज करना, खरोते कैप्टनशिप और वाइस कैप्टनशिप रिशाद हुसैन। बाकी दोस्तों अभी तक आपने हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर लेना, क्योंकि जो मैचेस का वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड नहीं कर पाता हूँ उसका वीडियो मैं अपने सेकंड चैनल पर अपलोड करता हूँ, ताकि आपको हर एक मैच का एक प्रॉपर वीडियो मिल जाए और प्रॉपर एनालाइज करके टीम क्रिएट करो, ताकि आपके जीतने के चांसेस काफी ज्यादा रहे। तो इसकी वजह से हर एक मैच का आपको वीडियो प्रोवाइड कर देता हूँ, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जाकर एक बार आप चेकआउट कर लेना। बाकी बात करते हैं दोस्तों, अभी तक मतलब ज्वाइन नहीं करो तो ज्वाइन कर लेना। बाकी मैं अब टीम की बात करता हूं तो गुरबाज को जैसे कि मैंने बताया बाय डिफॉल्ट इनको ट्राई करूंगा, सैंतो पे भरोसा इस मैच में भी जाता रहा हूं, लास्ट मैच में भी जताया था, देखते हैं इनका प्रदर्शन कैसे रहता। बाकी शाहिदी तो एक कंसिस्टेंट प्लेयर है और इस पिच पर कैसे खेलना ये काफी सालों से खेल रहे, तो इनको पता है। बाकी मेहदी हसन मिराज और रिशाद हुसैन और नबी, ये तीनों को आप ट्राई करके जा सकते हो। बाकी मैं अफगानिस्तान की तरफ से फजल अकबर, रुकी गजनाफर और राशिद खान, देखो राशिद खान तो कैप्टन से कंफर्म रहेंगे, लास्ट मैच में 6 विकेट पिक किए थे और स्पिनर्स के लिए पिच सुटेबल है, तो मैं गजनाफर को वाइस कैप्टनसी देके जा रहा हूँ। बाकी मुस्तफिजुर रहमान और तस्कीन अहमद, ये मेरे को एक्सपेक्ट है कि बांग्लादेश की टीम पहले गेंदबाजी करेंगे तो ये दोनों अच्छे कर सकते हैं। सेकंड इनिंग में कुछ सिचुएशन बदलेगा, वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट मैच के वीडियो के साथ, वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बाकी वीडियो यहां तक देखने के लिए धन्यवाद।